कोरोना से जंग में भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो खबर 24 घंटों से सामने आई है वो सुकून देने वाली और हिम्मत दिलाने वाली है। 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की जंग लड़ रहे 1000 से ज्यादा लोगों को अब पूर्ण रूप से उनको राहत मिल गई है, पूरे तौर पर स्वस्थ हो चुके हैं। रिकॉर्ड तौर तोड़ी रिकवरी जो कि 24 घंटों की है, 1074 लोगों ने कोरोना से जीती है जंग। कोरोना से अब तक 11,706 लोग ठीक हो चुके हैं, जो संख्या है, जो आंकड़ा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,836 तक पहुंच चुकी है। तो एक तरफ जहां पर कोरोना संक्रमितों की तादाद में लगातार इजाफा होता हुआ दिख रहा, तो वहीं पर डॉक्टरों की और सरकार की, प्रशासन की, स्वास्थ्य महकमे की जो कोशिशें हैं वो भी रंग लाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब तक जो आंकड़ा है ठीक होने का वो 1024 घंटों के अंदर सामने आया है। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं, और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. और इसके साथ ही हमारा recovery rate अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में अगर COVID-19 के confirm cases की संख्या देखें तो 2,553 केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल confirm संख्या अब 42,533 हो चुकी है। टोटल एक्टिव केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है। और अमित दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन के जरिए। अमित, न सिर्फ राहत की खबर बल्कि ये कहीं ना कहीं हिम्मत दिलाने वाली है कि रिकवरी रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, 1000 से ज्यादा 24 घंटों में ठीक हुए। जिस तरह से 27.5% लोग जो है वो रिकवरी हो रही है, हालांकि पेशेंट की संख्या की बात करें तो लगातार बढ़ रही है। कल की बात करें तो जिस तरह 2744 मामले बढ़े थे, आज भी 2500 ज्यादा मामले बढ़े हैं। संख्या जरूर लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ रहा है तो लोगों के लिए भी सुकून देने की बात है, प्रशासन के लिए भी सुकून की बात है। आज भी 1000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रिकवरी रेट और बढ़ेगा, क्योंकि भारत अपनी योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। और खुद जो संयुक्त सचिव है लव अग्रवाल, उन्होंने आज पूरी मीडिया को जानकारी दी कि किस तरह भारत में रिकवरी रेट बढ़ा है। जी शुक्रिया अमित, इन तमाम जानकारी के लिए।